साई ना सिर्फ खुद फिल्में बनाती हैं बल्कि बाल चित्र समिति के अध्यक्षा के नाते वो इसमें महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही हैं। तो आइए आपसे बातचीत करें। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है साई। धन्यवाद साई। ये बताएं कि बाल फिल्म महोत्सव की ओर इस साल जनता की क्या प्रतिक्रिया रही? दिल्ली में मैं सोचती हूँ कि जितना हमने सोचा था उससे कई गुना अधिक लोगों ने उसको प्रतिसाद दिया है। बड़ी तादाद में बच्चे आए और आ रहे हैं, अभी भी एक शो चल रहा है और इतने दूर दूर से बच्चे आए हैं और सुबह के शो में तो जगह नहीं मिली सबको, तो ज़मीन पे बड़े मज़े से बैठे थे और कई अपंग विद्यार्थी आए थे स्कूल से और स्लम्स के विद्यार्थी भी आए थे, जो सुन के बहुत बहुत खुशी हुई। तो सिर्फ ये उच्च श्रेणी के बच्चे ही नहीं बल्कि हर तरह के बच्चे आए और शिक्षक भी आए और पालक भी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अच्छी बच्चों की फिल्म अच्छी परिवार फिल्म होनी चाहिए। बिल्कुल। चाहे आप काफ़ी लंबे अरसे से सोसाइटी से जुड़ी हैं तो ये बताइए, काफ़ी अरसे से तो नहीं कहूँगी, एक साल हो गया है जी। अब तो ये बताइए कि भारत में इतनी कम संख्या में जो है वो बाल फिल्में इतनी कम संख्या में क्यों बनती हैं? सही सवाल पूछा आपने। इसका कारण है पूरी तरह इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ। फिल्में हवा से तो नहीं बनती। फिल्में बनाना और ख़ास करके बच्चों के लिए फिल्में बनाना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है और हमारा बड़ा शू स्ट्रिंग बजट होता है, बड़ा दुबला पतला सा बजट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 30-35 लाख दे सकते हैं एक फिल्म के लिए और नेचुरली जो हॉलीवुड कि फिल्मों में आप देखते हैं वो रैजल डैजल, वो शोर शराबा, वो बढ़िया ट्रिक सीन्स, वो सुपर टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह हमारे फिल्मों में नहीं हो सकता। मतलब होम अलोन हम नहीं बना सकते? नहीं, होम अलोन में इतना कुछ नहीं था। होम अलोन बना सकते हैं बल्कि होम अलोन से भी शायद अच्छी बना सकते हैं। अभी कल की फिल्म आपने नहीं देखी जो बहुत बहुत लोगों को पसंद आई, कभी पास कभी फेल, जो इस साल की राष्ट्रीय बाल चित्र सबसे बेहतर बाल चित्र पुरस्कार की विजेता रही। तो मैं बात कर रही हूँ बड़े बड़े एनिमेशन फिल्म्स की, बड़े बड़े जिसमें चेसेस हैं, ट्रिक सीन्स हैं, बहुत बड़े सेट्स हैं, बढ़िया कॉस्ट्यूम्स हैं, ये सब हम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी फिल्में बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने का सोच रहे हैं कि जिनमें दिल हो और दिमाग भी। सर ये बताइए, क्या सरकार भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है प्रोत्साहन ना देने के लिए, बच्चों की फिल्में जो ना देने के लिए? नहीं नहीं, ये तो हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के छत्र छाया तले हैं, हालांकि हम ऑटोनोमस हैं, लेकिन पूरी मदद दे रही है सरकार और तभी तो हम ये फिल्में बना सकते हैं। और पिछले साल 3 फिल्में बनी सिर्फ, इस साल 10 फिल्मों की बात हो चुकी है और उनमें से कई कंप्लीशन पे है, कई बन रही हैं, कभी अब सेट पे जाएंगे। राजस्थान में एक नई फिल्म बनेगी तो ये तो सरकार की मदद से ही हो रहा है। तो मतलब वो सहयोग दे रहे हैं? बिल्कुल सहयोग दे रहे हैं, लेकिन सहयोग की हमें बहुत अपेक्षा है, बहुत उम्मीद है तो दूरदर्शन से, क्योंकि ये भी एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का ही अंग है और हमें हमें मतलब बच्चों को और बाल चित्र समिति को एक बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां हम अच्छी तरह सांस ले पाए, जहां हम फूल सकें। तो ये बताइए, सरकारी मदद की इतनी ज़रूरत क्यों है, आप क्यों समझती हैं? क्या ऐसी फिल्मों का मार्केट नहीं है, ये फिल्में जो हैं वायबल नहीं हैं? नहीं देखो, ये थिएटर में फिल्में लगना बहुत मुश्किल है, ये मानना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि हम ऐसी फिल्में बनाएं कि धड़ाधड़ जो जुबिली हिट्स करेंगे थिएटरों में, तो ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे जैसे बड़े फिल्में देखने जाते हैं वैसे बच्चे तो उठ के नहीं जा सकते। 3 बजे का शो देखने गए, 3 बजे तो स्कूल होता है, 6 बजे भी नहीं जा सकते, 9 बजे तो नहीं ही जा सकते रात का समय। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है कि इकोनॉमिकली फिल्मों को वायबल करें। इतनी वो नहीं होती फिल्में भी, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो वहाँ भी जितनी एडल्ट्स के लिए फिल्में बनती है उतनी बच्चों के लिए नहीं बनती। और अपने यहाँ बच्चे और भी किसी हद तक बड़ों पर निर्भर हैं और वो उठ के अकेले फिल्में देखने नहीं जाते।
और रहा एक इतवार का दिन या छुट्टी का दिन, तब ये फिल्में ज़रूर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अलग अलग थिएटर्स से संबंध जुड़ा हुआ है अभी, और उम्मीद है कि बाहर थिएटर्स में दिखा पाएंगे। जैसे पहले बहुत साल पहले सप्रू हाउस में एक हर इतवार को फिल्म दिखाते थे दिल्ली में, और एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई है सप्रू हाउस में बच्चों की फिल्में देखते। छोटे शहरों में भी जैसे हम छोटे थे तो हमारे स्कूल से साल में 2-3 बार हमें ले जाया जाता था बच्चों की फिल्में दिखाने के लिए। ऐसा अब नहीं होता। नहीं, ऐसा अब इसलिए नहीं होता कि जैसा मैंने कहा कि थिएटर में फिल्में जाकर देखना मुश्किल काम है, लेकिन हमने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है बाल चित्र समिति में। हमने क्या किया है कि हमारी जो सबसे पॉपुलर फिल्में साबित हुई हैं, अच्छी अच्छी फिल्में और जो अभी अभी हाल ही में बनाई हैं, वो फिल्में हमने वीडियो कैसेट्स पर उतारी हैं, और ये हम कम दाम में स्कूलों को और शिक्षा संस्थाओं को हम देते हैं, और इसका बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। बहुत से स्कूल दूर दूर से ये हमारी फिल्में ले जाते हैं, अपने स्कूलों में दिखाते हैं, और इस तरह हमारी फिल्में बहुत बच्चे देख रहे हैं पूरे भारत भर। दूसरा एक तरीका ये भी है कि अब ये दिल्ली में बड़ा महोत्सव हो रहा है बच्चों का, जिसको हम बाल चित्र बोनांजा कह रहे हैं, वैसे ही भारत में जगह जगह हम छोटे छोटे फेस्टिवल्स करते हैं, 5 दिन के, 1 हफ्ते के, जहाँ ये सारी फिल्में घूमती है, हाँ, राज्यों में, और कई ऐसी जगहों में जहाँ थिएटर्स नहीं हैं, तो स्कूल का हॉल लिया, हॉस्पिटल का हॉल लिया, कहीं म्यूनसिपल हॉल लिया, और यहाँ हमको वहाँ के जो फेस्टिवल आप छोटे शहरों में भी ले जा ले जाते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि बड़े भारतीय फिल्मकार भी इस विधा को इग्नोर तो नहीं कर रहे, कहीं चिल्ड्रंस फिल्म को? नहीं, अभी उस हद तक नहीं उसमें भाग ले रहे, यूँ कहिए उल्टी तरह, कि जितना शायद लेना चाहिए। हालांकि रे ने तो दिशा दिखाई थी। कहाँ? सत्यजीत रे ने तो दिशा दिखाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि इंग्लैंड जैसे देश में हर एक आदमी जो जाना माना डायरेक्टर हो, जाना माना अभिनेता हो, वो एक नाज की बात समझते हैं कि बच्चों की फिल्में उनको अगर काम करने का मौका मिले तो बहुत खुश होते हैं। लॉरेंस ओलिविए से लेकर नीचे तक बहुत लोगों ने ये किया है। अब हमारी फिल्मों में भी, जैसे ये अभी आपने दिखाया हिस्सा कभी पास कभी फेल, इसमें नसीरुद्दीन है, दीप्ति हैं, टॉम ऑल्टर हैं, ऐसे अच्छे कलाकार हैं। हमें उम्मीद है कि और भी हमारे कलाकार आगे आएंगे बच्चों की फिल्मों में काम करने के लिए। साई, आप बहुत साल से बच्चों के कार्यक्रमों से जुड़ी हैं, दूरदर्शन के लिए आप पहले बच्चों का कार्यक्रम भी बनाती थी, तो बच्चों से इस लगाव की क्या वजह है, क्या जुड़ाव, क्यों? शायद मैं उम्र में बड़ी हो गई हूँ, लेकिन दिल में शायद कहीं अभी बच्चा मौजूद है, हो सकता है।